समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व तो नहीं था कि हिसाब चुकता करे। देशवासियों के दिल में है वो आग, मेरे दिल में भी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, आप मुझे बताइए कौन पार्टी है जो ये काम कर सकती है। सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व तो नहीं था कि हिसाब चुकता करे। भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे चीजें मेरे दिल में पड़ी हुई है। याद करिए दोस्तों, इस सिविल अस्पताल में क्या हुआ था। यह अस्पताल इंसान को जिंदगी देता है और राक्षसों ने, मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, इसी सिविल अस्पताल में बम धमाके किए थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। याद है कि नहीं है? सीमा के उस पार से आतंक होता था, क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व तो नहीं था कि हिसाब चुकता करे। भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे चीजें मेरे दिल में पड़ी हुई है। और मैंने उस दिन भी कहा था, पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है वो आग मेरे दिल में भी है। अगर उस समय सरकार में दम होता तो अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में निर्दोषों की जान लेने वालों को वहां जाकर के भी हिसाब चुकता कर देते। भाई मुंबई में 26/11 हुआ, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और हम कुछ दिन के बाद, चलो अब ठीक हो गया, सब लोग काम पे लग गए। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए कौन पार्टी है जो ये काम कर सकती है? ईमानदारी से बताइए कौन कर सकता है? हम एक तरफ गलत करने वालों को सजा दे रहे हैं तो वहीं ईमानदारी से काम करने वालों का सम्मान भी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आज अहमदाबाद की धरती पर आया हूं और सिविल अस्पताल में आया हूं तो वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती है। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हैं जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, क्या ये देश हित का काम है क्या? आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता, चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। निर्दोष लोगों को मारने देंगे,